ये सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सीधे रुक करते हैं। हो गया, देखो चलिए, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी सुबह में आए हैं। एक गरीब पिछड़ा का बेटा को आवाज़ को पूरे दुनिया तक सुनाने के लिए, इसलिए विशेष तौर पे आपको धन्यवाद देता हूं मैं। साथ ही जो कल तक हमारे विधायक थे उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो कल तक हमारे साथ थे, वो फिर अपने निर्णय बदले हैं, वो जहाँ पे भी गए हैं उनको शुभकामना है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनप मल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनके 74 विधायक बनाए, और उसके बावजूद भी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बनी, और उसके बाद हमारे 3 विधायक मिलाने के बाद वो अभी 77 हो गए और बिहार का 1 नंबर का पार्टी हो गए, बड़ी पार्टी बन गए, जो पार्टी देश का दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, वो पार्टी कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा के सहयोग से 74 पहुँचे और 74 से 77 पहुँचे। और इसके लिए मैं विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ कि आप बिहार के सबसे बड़ी पार्टी आप बने हैं, इसके लिए बधाई देता हूँ। और विशेष तौर पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को भी बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन मैंने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो न 3 में थे न 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक सनप मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहां तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था कि वो कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने, और बिहार में किसी भी नेता को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ जानकारी नित्यानंद राय जी को या हमारे मंगल पांडे जी को थे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या बात हो रहा है, ये जानकारी उनको थे, तो इसलिए वो क्या डील हुआ इतना झूठ फैलाने का आवश्यकता उनको नहीं था। उन्होंने तो विनर बन गया, 3 विधायक को लेकर बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन ही गया, तो उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देता हूँ, हमारे विधायक जो गए उनको भी शुभकामना देता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, 1 दिन में ₹30 मैं कमाता था, महीने का 900 रुपये महीने का मैं कमाता था, और ये हम अपनी जिंदगी में संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे रहने के लिए घर नहीं था, जहाँ पे अपने आप को फ्रेश होने के लिए जगह नहीं था, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ता था, ऐसी जिंदगी मैंने जिया है, फुटपाथ पे मैंने खाना खाया है, फुटपाथ पे अपनी जिंदगी को बिताया है, और वहीं से हमने संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में भी अपने एक अच्छा मुकाम मैंने बनाया, और उसके बाद बिहार में मैं आया, अपने लोगों का हक अधिकार के लिए मैंने देखा ये
बड़ा हीरो हो जाएगा, काम करेंगे। कल ही हमने बेतिया में करबरा सरैया मन है 348 एकड़ का, जो 20 साल से विभाग प्रयास कर रहा था कि ये विभाग में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मैंने कल ही कैबिनेट से पास कराया और विभाग में हमने ट्रांसफर किया। वो मन में झील में कम से कम 10,000 परिवार का घर गुजर बसर हो सकता है, खास करके मछुआरा भाई का, तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। आज बिहार में 32,000 तालाब है, जिसमें से 15,000 तालाब से अधिक तालाब पे कब्जा हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है। मैं उसके लिए प्रयास हूँ, अलग से टीम बना के उसको मैं चाहता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त कराऊँ। तो लोगों को लगता है कि ये काम करने के बाद कहीं ना कहीं इस समुदाय में हीरो बन जाएंगे, तो इसलिए लोगों ने रोकने का काम किया है और मैं मजबूती से आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो बचपन से ही संघर्ष है, जो आज हुआ है ऐसी बात नहीं था कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे सब पता था कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी बना के रखूँ कि जिनको मैं बोलूँ कि उठो तो उठेंगे, बोलूँगा बैठो तो बैठेंगे। तो ये पहले हुआ करता था किसी कालखंड में, समाज में कुछ ऐसे नेता था जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो ऐसे करते थे कि किसी के कहने पे सुनने पर उठते थे या बैठते थे। लेकिन आज मुझे भरोसा है कि बिहार ही नहीं, देश में लाखों करोड़ों निषाद का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा आज सनब मल्ला को जानने लगा। अब मैं भी इसलिए मैं कहता हूँ गर्व से कि मैं सनब मल्ला हूँ, पूरे देश में निषाद का बेटा हूँ, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। आखिरी सांस तक मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहूँगा। आप सबको पता है कि अगर मैं उनकी बात मान लेता तो शायद ये नहीं होता। आज हमने बोछा में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, आप सबको पता है कि गठबंधन में वो सीट हमारा था। जब सीट अगर हमारे स्वर्गीय विधायक जी का निधन हुआ तो निश्चित तौर पर सीट खाली हुआ और उसमें पहला अधिकार वीआईपी का होना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने मन से अपने प्रत्याशी का नाम का घोषणा कर दिया। और आपने देखा कि 4 महीना उनके पार्टी के लोग किस तरीके से बेइज्जत करते रहे, उनके सांसद किस तरीके से अभद्र बात करते रहे, मैं सुनते रहा क्योंकि मुझे वहाँ पर चुनाव लड़ना था। आज हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, देश के प्रधानमंत्री जी को लेके विरोध किए, तो भैया आप बताइए मेरा जो हक अधिकार है वो मैं किससे मांगूंगा? मैं अमेरिका में जाके मांगूं या मैं राहुल गांधी जी से मांगूं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी उनके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरे 140 करोड़ देश के जनता का प्रधानमंत्री है और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और हम अपने प्रधानमंत्री से अगर जो हमने सोचा था जो हमारे समाज का हक अधिकार है वो हम उनसे नहीं मांगे तो किनसे मांगे? आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं मिल रहा, तो ये सवाल मैं किनसे करूंगा? आज उनसे मैं मांगने का काम किया तो उनको लगता है कि ये गलत किया। आज उत्तर प्रदेश में तो जेडीयू भी चुनाव लड़े, लेकिन उनके सामने में तो आपने कुछ नहीं बात रखा, लेकिन मुकेश सहनी को आपने टारगेट किया, मुकेश सहनी को आपने कमजोर करने का कोशिश किया है। तो खैर आपका जो निर्णय था आपने लिया है, अभी हमें बिहार में बिहार के जनता के लिए लोगों के लिए काम करने का मौका मिला है, मैं काम करते रहूँगा और आगे बढ़ते रहूँगा। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूँगा, किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। हाँ, कंधे से कंधे मिला के चल सकता हूँ, अगर 4 बात अगर आपका मानता हूँ तो 4 बात आपको हमारा भी मानना पड़ेगा। अगर आप अगर कहेंगे कि मैं सहनशाह हूँ तो मैं इस दुनिया में इस धरती पर किसी को सहनशाह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप चाहे वो जो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं वो सब चीज़ करने के लिए। तो इसलिए आज जो हुआ है ये कोई बड़ा घटना नहीं है, ये सामान्य घटना है, ये संसार में हमेशा होते रहा। जब गरीब पिछड़ा दलित का बेटा आगे बढ़ने का काम किया, आगे अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उनके साथ हमेशा ऐसे होते रहा। आपने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि चिराग पासवान जी का पार्टी किस तरीके से तोड़ा गया, परिवार में फूट डाला गया, लेकिन क्या हुआ? उससे पहले आपने देखा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक ले लिए, फिर क्या हुआ? तो ये विधायक पार्टी नहीं बनाया, पार्टी ने विधायक को बनाया, पार्टी में लोग आते जाते रहेंगे, हमारे विचारधारा से पार्टी आगे बढ़ेगा और जिनको एक्सेप्ट होगा वो पार्टी में हमारे विचारधारा से चलेंगे, जिनको नहीं एक्सेप्ट होगा वो अपने रास्ता अलग बनाएंगे। तो उसे लोगों को भी शुभकामना देते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए,
ईमानदारी के साथ रहिए, आपको जो जनता ने आपको चुन के भेजा है उनके पर भी आप तो भरोसा रखिए। यही नहीं है कि आपको नेम फेम पावर मिल जाए, वही चीज़ है। आज मैं चाहता तो चैन से जिंदगी जीता, लेकिन मैंने ये नहीं चुना, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। अब मेरे हाथ में था ही क्या जो मैं खो गया, कल फिर 4 बनाया, फिर 40 बनाएंगे। लोगों का भरोसा अगर हम पे जो रहा तो निश्चित तौर पे हम अपने कामयाब होंगे। तो इसलिए इससे मैं ज़्यादा भयभीत नहीं हूँ, चिंतित नहीं हूँ। अभी मेरा लक्ष्य है कि बोछा में मजबूती से हमारा जो जनाधार है, जो ताकत है, उसको लगाकर बोछा सीट पर लड़ेंगे और जीतेंगे। अब बाकी जिंदगी में जो कठिनाई अभी दिख रहा है आप लोगों के सामने में, इससे बड़े बड़े कठिनाई को हमें सामना करना पड़ेगा। आज देखिए लालू जी ने इतना अच्छा काम करने के बाद भी आज जेल में है, तो ये सब संसार का एक पार्ट है, ये होते रहेगा। इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोगों ने एक गरीब पिछड़ा का बेटा को आवाज़ को देश दुनिया में पहुंचाने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, तो आप सभी को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ विशेष अगर आपको बात रखना है, पूछना है, तो मैं शांति से जवाब दूंगा, लेकिन कृपया करके एक एक करके पूछेंगे तो मैं अच्छा रहेगा। जी ठीक है, उनका विषय है, उन्होंने एलिगेशन लगाया है। लोग एक हमने बचपन में कहानी सुना था कि लंगूर है ना, अंगूर के पीछे भागता है, अंगूर मिल जाता तो उसके लिए अच्छा होता है, नहीं मिलता तो खट्टा है। जब विधायक बने थे तभी वो उसको मेरी विचारधारा अच्छा था, सारा चीज़ें अच्छा था, और अभी कल नहीं है तो 50 तरह के एलिगेशन लगाएंगे, इससे घबराना नहीं है। कल तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा विधायक है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया, और उससे पहले उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से ये किया। तो ये सारी चीज़ें तो जब इस धरती पर सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिया, उग्नो उन्हें भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा, तो मैं कौन सा खेत की मूली हूँ। तो इस तरीके से चीजें होते रहेगा। आगे बढ़े, आगे मंत्री पद बरकरार रहेगा या फिर इस्तीफा देंगे आप? देखिए मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं, और उनका विशेष अधिकार है इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे, इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। देखिए हमारे विधायक कहे गए, यही स्पष्ट हो रहा है, विधायक भी यही बोल रहे हैं, तो वो गए क्योंकि हमें तो अपने समाज के गरीब लोगों की हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, उनके लिए काम करना। अगर मैं कल मंत्री नहीं रहता तो 348 एकड़ का जलकर आजकल हमारे विभाग में ट्रांसफर नहीं होता, कल ही कैबिनेट हुआ है, तो आज उससे 10,000 परिवार का घर चलेगा। तो मैं ऐसा तो आप सुन रहे थे मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी।